हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है जिनकी, ठीक है। और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में 70% एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जैसे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, हुआ है, ठीक है, हुआ है, थोड़ा यहाँ पीडीएफ मिस्टेक है। तो स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 11, फोर्थ ऑप्शन है 7, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 14, फोर्थ ऑप्शन है 18, ठीक है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की संख्या है, वेदों की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 7, ठीक है। तो वेदों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, वेद 4 प्रकार के होते हैं। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाली है, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन में इस वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातक कथाएँ, जातक कथाएँ संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, सेकंड ऑप्शन है जैन धर्म से, थर्ड ऑप्शन है हिंदू धर्म से, फोर्थ ऑप्शन है सिख धर्म से, ठीक है। तो जातक कथाएँ किस धर्म से संबंधित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातक कथाएँ जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, बौद्ध के जन्म की कथाएँ हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जातक कथाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत्यु के समय गौतम बुद्ध की अवस्था थी, मृत्यु के समय गौतम बुद्ध की अवस्था थी। फर्स्ट ऑप्शन है 60 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 70 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 80 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 85 वर्ष, ठीक है। तो मृत्यु के समय गौतम बुद्ध की अवस्था क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 वर्ष, ठीक है, 80 वर्ष। मृत्यु के समय गौतम बुद्ध की जो अवस्था थी वो 80 वर्ष के थे, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है लुम्बिनी में, सेकंड ऑप्शन है सारनाथ में, थर्ड ऑप्शन है पावापुरी में, फोर्थ ऑप्शन है कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 575 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 583 ईसा पूर्व में और फोर्थ ऑप्शन है 593 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, किसका जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध को शिक्षाएँ मिलती हैं, महात्मा बुद्ध को बाद महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपिटक में, सेकंड ऑप्शन है दिव्य पटन में, ऑप्शन नंबर सी आपका अशोक पटन में, अशोक पटन में और ऑप्शन नंबर डी है महापटन में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक में, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएँ मिलती हैं वो मिलती हैं आपकी त्रिपिटक में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। फर्स्ट ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, सेकंड ऑप्शन है अशोक ने, थर्ड ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने, फोर्थ ऑप्शन है कनिष्क ने, ठीक है। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है पार्श्वनाथ, सेकंड ऑप्शन है ऋषभदेव, थर्ड ऑप्शन है महावीर स्वामी, फोर्थ ऑप्शन है नेमिनाथ ने। ठीक है, तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋषभदेव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव द्वारा की गई थी। ठीक है, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थ करते, ठीक है, 24वें तीर्थ करते, और पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थ करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 527 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 537 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 517 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी आपका 507 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 527 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, 527 ईसा पूर्व में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 576 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 599 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 575 ईसा पूर्व में, और फोर्थ ऑप्शन है 560 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? फर्स्ट ऑप्शन है पार्श्वनाथ, सेकंड ऑप्शन है सुपार्श्वनाथ, और थर्ड ऑप्शन है महावीर स्वामी, फोर्थ ऑप्शन है पुष्पदेव। ठीक है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है फ्रेंड्स, 24वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभदेव, सेकंड ऑप्शन है पार्श्वनाथ, थर्ड ऑप्शन है अरिष्टनेमी, फोर्थ ऑप्शन है आपका महावीर स्वामी। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के तीर्थकरों की संख्या थी। फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है 24, फोर्थ ऑप्शन है 26। ठीक है, तो जैन धर्म के तीर्थकरों की संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, 24 तीर्थकर थे, और जिनमें से पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इनकी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध संगति कितनी बार आयोजित हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1 बार, सेकंड ऑप्शन है 2 बार, थर्ड ऑप्शन है 3 बार, फोर्थ ऑप्शन है 4 बार। ठीक है, तो बौद्ध संगति कितनी बार आयोजित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, 3 बार बौद्ध संगति 3 बार आयोजित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध संगति 3 बार आयोजित हुई थी। ठीक है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है बहुत संगति याद करने की ट्रिक। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके इस चैनल पे देखिए, प्रीवियस वीडियो में बहुत 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 ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है कुंडलवन में, सेकंड ऑप्शन है मयूरवन में, थर्ड ऑप्शन है मधुबन में, फोर्थ ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो प्रथम जैन संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन संगतियाँ कितनी बार आयोजित हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1 बार, सेकंड ऑप्शन है 2 बार, थर्ड ऑप्शन है 3 बार, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 4 बार। ठीक है, तो जैन संगतियाँ कितनी बार आयोजित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैन संगतियाँ 3 बार आयोजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रम और शक संबंध में कितना अंतर है? फर्स्ट ऑप्शन है 57 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 78 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 135 वर्ष, और फोर्थ ऑप्शन है 320 वर्ष। ठीक है, तो विक्रम और शक संबंध में कितना अंतर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 वर्ष का। ठीक है, 135 वर्ष का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 487 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 387 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है आपका 250 ईसा पूर्व में, और फोर्थ ऑप्शन है 151 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, 250 ईसा पूर्व में हुआ था तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क के, सेकंड ऑप्शन है अशोक के, थर्ड ऑप्शन है काला अशोक। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे है काला अशोक, ठीक है काला अशोक। और फोर्थ ऑप्शन है अजातशत्रु के, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में, ठीक है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, सेकंड ऑप्शन है कनिष्क ने, थर्ड ऑप्शन है अशोक ने, फोर्थ ऑप्शन है चाणक्य ने, ठीक है। तो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संगम साहित्य की भाषा थी, संगम साहित्य की भाषा थी? फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत, सेकंड ऑप्शन है पाली, थर्ड ऑप्शन है प्राकृत और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ठीक है तो संगम साहित्य की भाषा थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीडीएफ ही खत्म हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, और मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत ज़रूर एक बार रंग लाएगी एक दिन, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।